देखो दोस्तों, ये है JKT 781G। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है G-Z। इस मशीन में क्या दिक्कत आ रही है अभी, जैसे हमने ये देखो यहाँ से ये ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसे हमने यहाँ से ये रेडी करा, ये रेडी हो गई। अब रेडी होने के बाद देखो इसका ना निडल पोजीशन नीचे है अभी, जबकि होना क्या चाहिए, ऊपर होनी चाहिए निडल, और टेकअप लीवर भी इस टाइम पे ऊपर होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे इसमें कहाँ नीचे। अब जैसे हम इसे चलाएंगे, अभी मैंने खोल रखी मशीन अभी, ठीक है, जैसे अभी चलाई हमने, अब देखो ये टेकअप निडल बार भी नीचे रुक गया, टेकअप लीवर नीचे रुक गया यहाँ पे। तो इसको इसमें इस टाइम ऊपर होना चाहिए था। इसको सही करने के लिए कैसे करेंगे, मोटर खोल के भी कर सकते हो अगर आपको पता है तो, नहीं तो प्रोग्राम से इसमें हो जाता है। ये इसमें पावर मैक्स का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, डिस्क लगी है A4 720। तो उस मशीन में इसका करने का तरीका ये है, P और ये एरो वाला जो निशान है, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो हमारे को राइट वाला करना है, प्लस कर ये दबाना है। इसमें राइट का देखो लिखा भी है यहाँ पे, P और राइट एक साथ दबाएंगे और दबा के रखेंगे थोड़ी देर, तो यहाँ पे खुलेगा N24। ये वैल्यू आगे जो आ रही है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, इसके बाद यहाँ पे पीछे देखो हैंड व्हील लगा होता है, मैंने अभी खोल रखा है क्योंकि मैं इसे सेट कर रहा था इसलिए। तो जैसे हैंड व्हील यहाँ से मैं रोटेट करूँगा तो यहाँ पे ना नंबर चेंज होंगे, ये देखो ये नंबर चेंज हो रहे हैं ना। ये नंबर जब चेंज होंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे टेकअप लीवर को आगे की तरफ मशीन घुमाते हुए ऊपर लाना है एकदम, और निडल बार भी आपका एकदम टॉप मोस्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे ये प्रेशर फुट वाला जो बटन है, इसको दबा के रखेंगे थोड़ी देर तक, तो यहाँ OT लिखा जाएगा। OT का मतलब होता है सेफ हो गया ये। उसके बाद P दबा के बाहर निकलेंगे और फिर चला के देखेंगे कि ये कहाँ पर रुक रही है, ठीक है। अब देखो देखो टेकअप लीवर भी टॉप पे आ गया ऊपर ये, और निडल बार भी एकदम ऊपर आ गया जहाँ पे आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस मशीन में टेकअप लीवर की पोजीशन कभी अगर आउट हो जाती है तो सही कर सकते हो।